एक अजीब बात भारत में चली है कुछ वर्षों से राजनीतिक स्वार्थ कट्टरपन व अलगाव की भावना भारत के प्रति शत्रुता व जागतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा इनका एक अजीब सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध काम कर रहा है उसको पहचानना चाहिए धैर्य से रहना है इनके भड़काने वालों की बातों में आना नहीं है संविधान व कानून का पालन करते हुए अहिंसक तरीके से वो जोड़ने के ही एकमात्र उद्देश्य से हम सबको कार्यरत रहना पड़ेगा एक दूसरे के स्वार्थों का समन्वय करते हुए जो बनते हैं एक होते हैं वो स्वार्थ अलग होते ही टूट जाते हैं ये हमारा स्वार्थ का नाता नहीं है ये हमारा जोड़ने के लिए नाता है आत्मीयता का नाता है समरसता का नाता है इसको पहचान के रहना पड़ता है और इसलिए एक दूसरे के प्रति व्यवहार में हम लोग संयमित नियम कानून तथा नागरिक अनुशासन के दायरे में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं तो परस्पर विश्वास का वातावरण बनता है और यह वातावरण एक बार बनता है तो जो भी जिसकी समस्या हो सब मिल बैठकर ठंडे दिमाग से समन्वय से उसका हल निकाल सकते हैं हर समस्या का हल निकलेगा लेकिन उसके लिए ये सारी समस्याएं किसी एक वर्ग संप्रदाय की नहीं है किसी एक प्रांत भाषा की नहीं है संपूर्ण हिंदू जाति की है सारा समाज मिलकर आपस के सौहार्द के आधार पर आत्मीयता समरसता के आधार पर अपनेपन के आधार पर जब विचार करता है तब हर समस्या का हल निकलता है ऐसा नहीं करते हैं आपस में लड़ने लगते हैं अविश्वास बनता है आक्रामक भाषा आक्रामक कृतियां एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की द्वेष की कृतिया इससे वातावरण कलुषित होता है एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता और जब विश्वास नहीं रहता तब समस्या क्या है यह समझ में भी नहीं आता हल साधना तो दूर बात है भय की भावना में अनियंत्रित हिंसक आचरण को बढ़ावा मिलता है दूरिया और विरोध बढ़ते रहते हैं